जो कुछ बनारस में हुआ ये बनारस की प्रतिष्ठा, इसके गंगा यमुनी तहजीब और शांति प्रिय बनारसियों के मौज मस्ती में डूबे रहने वाले बनारसियों की प्रतिष्ठा पर यह आघात है। जैसा वातावरण कल काशी में देखने को मिला, देखते ही देखते एक हफ्ते 10 दिन के अंदर पूरा शहर जहर से भर गया। ऐसा किन लोगों ने जहर बोया है, कभी भी इतिहास और समाज उन्हें माफ नहीं करेगा। मैं तो पूछता हूं कि अगर सुनियोजित षड्यंत्र नहीं था, अगर हिंसा करने की सुनियोजित साजिश नहीं थी, तो राड, डंडे, लाठी, पत्थर, पेट्रोल, ये सब आकर गोदौलिया जैसे चौराहे पे, जो भीड़ भरा चौराहा है, चारों तरफ से ऐसे रास्ते नहीं है किलोमीटर तक कि जहां वहां लाया जा सके, अचानक ये देखते ही देखते आधे घंटे में पट जाता है। कल की घटना भी एक सुनियोजित साजिश है उत्तर प्रदेश सरकार की, जिससे वह प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की बदहाल स्थिति, विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं, अराजकता का जो नग्न तांडव उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है, इससे ध्यान हटा सके। कल की घटना में भी लाठीचार्ज की कोई आवश्यकता नहीं थी। हम उत्तर प्रदेश सरकार की और स्थानीय प्रशासन की इस भूमिका की निंदा करते हैं और मांग करेंगे कि इसके लिए जो भी दोषी अधिकारी हैं या कौन व्यक्ति है जो इस सब बार बार काशी या अन्य जगह पर माहौल खराब करवा कर रहा है, उन अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। समाजवादी सरकार भी चाहती है कि किसी तरह की कोई अराजकता ना हो, कोई भी समुदाय हो वो संयम से काम ले और कानून व्यवस्था के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी का वो निर्वहन करें। समाजवादी सरकार ये भी जानती है और चाहती है कि साधु संतों को, सन्यासियों को राजनीतिक कारणों से किसी तरह का कोई काम नहीं करना चाहिए और किसी भी राजनीतिक दल की कठपुतली उन्हें नहीं बनना चाहिए, किसी का खिलौना नहीं बनना चाहिए।